नमस्कार दोस्तों वेलकम टू पीके क्लासेस दोस्तों आरजीपी लेटेस्ट अपडेट में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट की गई है जो कि आर छात्रों के एग्जाम से संबंधित है तो आइए दोस्तों देखते हैं आर छात्रों के लिए क्या लेटेस्ट नोटिफिकेशन आर ने अपडेट किया है तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें जिससे दोस्तों आपको समय से आने वाला लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके तो दोस्तों अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान अंतर्गत अंतिम अनुकंपा अवसर के संबंध में अनुदेश आर ने मर्सी वाले छात्रों के लिए एक लास्ट चांस दिया है स्पेसिफाई किया है कि किस ईयर में एडमिशन लेने वाले छात्र मर्सी अटेम्प्ट एग्जाम में बैठ सकते हैं तो दोस्तों ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है अब इसमें उपरोक्त विषय अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विभिन्न अध्यादेशों में पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि का उल्लेख किया गया है आर का कहना है कि जो आर के आर्डिनेंस हैं अध्यादेश हैं उसमें कोई भी कोर्स कंप्लीट करने का जो अधिकतम समय है वो दिया हुआ है उल्लेखित किया गया है इस अवधि के उपरांत अध्यादेश क्रमांक ट्वेल्व की कंडिका क्रमांक टी फोर वन फोर के अंतर्गत के है, उसमें ट्वेल्व क्रमांक की कंडिका चौबीस एक चार वेबसाइट आरजीपीवी डॉट ए सी डॉट इन पर उपलब्ध है जिसमें एक अंतिम अनुकंपा अवसर का प्रावधान है जिसका पूर्ण रूपेण अवलोकन करना आवश्यक है उसको आपको ऑर्डिनेंस को पढ़ना जरूरी है प्रावधान अनुसार उस प्रावधान के अनुसार केवल ऐसे छात्रों को यह अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा जिनको डिग्री या उपाधि पूर्ण करने में अधिकतम पांच थ्योरी आवलिक सिद्धांतिक तथा पांच प्रैक्टिकल प्रायोगिक विषयों में अनुत्तीर्ण है मीन्स उस अध्यादेश के अनुसार ऐसे छात्रों के लिए अंतिम अवसर दिया जाएगा जिनके पांच थ्योरी पेपर रुके हों और पांच प्रैक्टिकल जिसमें अनुत्तीर्ण है स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित बैठने वाले छात्रों को इस अंतिम अनुकंपा अवसर में पात्रता निर्धारित नहीं की जाएगी मीन्स नियमित बैठने वाले छात्रों को अनुकंपा अवसर में पात्रता नहीं दी जाएगी जो स्नातक मीन्स जो आपके यूजी कोर्सेस हैं जो आप पढ़ रहे हैं इसमें जो नियमित बैठने वाले हैं उनको नहीं दिया जाएगा नियम अनुसार पात्रता होने पर छात्र इस अंतिम अनुकंपा अवसर का लाभ आगामी परीक्षा दिसंबर 2022 में प्राप्त कर सकते हैं मीन्स नियम के अनुसार जो दिसंबर में होने वाली एग्जाम है उसमें अंतिम अनुकंपा अवसर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं इस अंतिम अनुकंपा अवसर दिसंबर 2022 की परीक्षा के पश्चात किसी भी छात्र को आगामी परीक्षा में इस अनुकंपा अवसर का लाभ नहीं दिया जा सकेगा अथवा परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा मीन्स इसके बाद दिसंबर 2022 के पास बाद ऐसे छात्रों को फिर कोई अवसर नहीं दिया जाएगा निम्न तालिका के कालम क्रमांक थ्री में उल्लेखित प्रवेश वर्ष में प्रवेश छात्र को ही इस अंतिम अनुकंपा अवसर प्राप्त करने की पात्रता होगी इसके पहले जो एडमिशन लिए थे दिए हुए ईयर के उनको कोई अवसर नहीं दिया जाएगा अब इसमें क्रमांक फर्स्ट में बी जो प्रवेश लिए 2013 में पाठ्यक्रम में प्रवेश का वर्ष है दो बीई ई बी फार्मेसी बी पार्ट टाइम इनके लिए जो 2014 में एडमिशन लिए थे 18 में कंप्लीट होना चाहिए लेकिन एक इनको लास्ट अवसर दिया जाएगा एम ई एम टेक पार्ट टाइम वर्ष 2016 में जो एडमिशन लिए थे एम ई एम टेक एम फार्मेसी जो 2017 में एडमिशन लिए थे लास्ट एडमिटेड ईयर हो होना चाहिए एंड एम सी ए वर्ष दो ये जो पाठ्यक्रम में प्रवेश का वर्ष दिया हुआ है 2013 के पहले यदि कोई 12 बैच का है 11 बैच का है तो इनको कोई अवसर नहीं दिया जाएगा इस अंतिम अनुकंपा अवसर को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में नॉन जुडिशियल हंड्रेड रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य संचालक द्वारा सत्यापित होने पर ही स्वीकार किया जाएगा शैक्षणिक अंतराल गैप दो वर्ष या उससे अधिक होने की स्थिति में नॉन जुडिशियल रुपए 100 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र गैप सर्टिफिकेट भी प्रथक से प्रविष्ट महाविद्यालय के प्राचार्य संचालक द्वारा सत्यापित होने की स्थिति में ही स्वीकार किया जाएगा। उक्त वांछित शपथ पत्र एवं अंक सूचियों की छाया प्रति प्रविष्ट महाविद्यालय के प्राचार्य संचालक द्वारा सत्यापित कराकर विश्वविद्यालय में दिनांक 9 ग्यारह 2022 या उसके पूर्व प्रस्तुत करने पर समिति द्वारा आपके आवेदन का परीक्षण किया जाएगा उसके उपरांत अंतिम अनुकंपा अवसर का लाभ उपरोक्त अनुसार प्राप्त कर सकते हैं अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों सफेद पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा तो दोस्तों ए आरजीपीवी ने नोटिफिकेशन दिया है ए अनुकंपा अवसर हेतु शपथ पत्र का फॉर्मेट दिया है जो कि आप अपने कॉलेज से सत्यापित करा के सबमिट करेंगे तो आप अंतिम अनुकंपा अवसर का लाभ ले सकते हैं तो दोस्तों यह मर्सी के छात्रों के लिए काफी इंपॉर्टेंट नोटिस है जो बेट कर रहे थे ध्यान रखिएगा दोस्तों और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू